अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बोले जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ, जैसे यदि आप अपने घर में लगाते हैं तो आपकी धन की कोई कमी नहीं रहती है, आपको धन की कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। आइए जानते हैं ऐसा कौन सा वह पौधा है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपनी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो यदि आप अपने साथ इसके फूल को, अपने साथ इसकी एक और चीज़ को ले जाएं, तो आप इंटरव्यू में पास ही नहीं होंगे बल्कि आपको सबसे ऊंची सीट आपको मिलेगी। साथ ही साथ हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। बागेश्वर धाम सरकार ने इस उपाय को बताया है, उसी उपाय को मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताने जा रहा हूँ। आप चाहें तो बड़ी वीडियो भी आप देख सकते हैं, लेकिन आप अपने समय को यदि बचाना चाहते हैं तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने रहने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए, या फिर अपने इष्ट देव जिन्हें आप सबसे ज़्यादा मानते हैं, जैसे कि शिव जी, माता पार्वती, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, किसी भी इष्ट देव का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों, या फिर आप जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए, इससे माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर होगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यदि आप इस पौधे को कहीं भी आपने घर में लगा देते हैं तो घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता है। इसे धन को आकर्षित करने वाली अर्थात पैसे को खींचने वाली बेल के रूप में भी जाना जाता है। इस बेल का नाम है अपराजिता। इसे विष्णु भगवान की प्रिय बेल भी मानी जाती है। यह बेल भगवान विष्णु भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है, इस कारण इसका नाम विष्णु कांता भी कहा जाता है। हमारे प्राचीन वेद पुराणों और ग्रंथों में भी इस बेल का वर्णन निहित है, अर्थात इस बेल का वर्णन मिलता है। इस बेल के द्वारा कई प्रकार के टोने टोटके और तंत्र साधना आदि की जाती है। यह पौधा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को तो खत्म करता ही है, साथ ही पैसों की कमी को भी समाप्त कर देता है। इस पौधे के लगने के बाद आपके घर में पैसों की कोई भी कमी नहीं रहती है। आपके घर में जिस तरह से यह बेल बढ़ती जाती है, उसी तरह से आपके घर में यह पैसा भी बढ़ाती जाती है। आपके घर में यह पौधा कौन सी दिशा में लगना चाहिए, इसके लाभों की जानकारी आपको आगे हम इसी वीडियो में देखें, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें दोस्तों, और वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। यह पौधा आपको किसी के घर में नर्सरी में देखने को मिल जाएगा और आप इसका बीज लाकर भी इस पौधे को आप अपने घर में लगा सकते हैं। दोस्तों इसके फूल दो रंगों के होते हैं, एक होता है सफ़ेद फूल वाला, एक होता है नीले फूल वाला। आपको यह पौधा उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने तुलसी के पौधे के बारे में जिक्र किया था कि तुलसी का पौधा आपको कौन सी दिशा में लगाना चाहिए। दोस्तों उत्तर दिशा कुबेर भगवान की दिशा होती है कुबेर, और पूर्व दिशा भगवान नारायण की दिशा होती है। ये इन दोनों दिशाओं में तुलसी लगाई जाए या फिर यह पौधा अपराजिता का पौधा भी उत्तर या पूर्व दिशा में लगाया जाए तो यह आपके घर में इतना ज़्यादा धन लाएगा, इतना ज़्यादा धन लाएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आपके घर की जल्दी जल्दी तरक्की होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों यह माना जाता है कि लक्ष्मी के पैर कभी भी किसी के घर में बहुत दिनों तक नहीं टिकते, लेकिन दोस्तों यदि आप इस अपराजिता के पौधे को अपने घर में लगा देते हैं तो लक्ष्मी आपके घर में सदा सदा के लिए टिक जाती है। लेकिन इसमें कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। भगवान शिव को यह पौधा बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसकी जड़ में आप यदि एक लोटा जल रोजाना समर्पित करते हैं और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं तो भगवान शंकर की कृपा आप पर बनती है, और भगवान शिव की कृपा यदि आप पर बन जाती है तो आपके वारे न्यारे हो जाते हैं, आपके पवारा 25 हो जाते हैं। दोस्तों हर तरह की सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। यह पौधा लगाने के बाद आपके घर से काल सर्प दोष, शनि की साढ़े साथी और मंगल दोष आपको कभी भी नहीं होता। अर्थात जिसके घर में यह पौधा लगा रहता है और नियमित रूप से उसको सींचा जाए तो आपके घर में कभी भी शनि की साढ़े साथी नहीं लगेगी और मंगल दोष भी पैदा नहीं होगा। आइए अब जानते हैं कि इसे घर में कब और किस दिशा में लगाना चाहिए और किस दिन लगाना चाहिए। तो दोस्तों अपराजिता या शंख पुष्पी के पौधे को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है।
इसलिए शुक्रवार के दिन लगाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि शुक्रवार का जो दिन होता है वो माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। उस दिन माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना और वैभव लक्ष्मी व्रत भी किया जाता है। तो यदि आप अपराजिता के पौधे को माँ लक्ष्मी के दिन अर्थात शुक्रवार के दिन लगाएंगे तो आपके जीवन में ये इतनी धन की वर्षा करेगा कि आपको पैसा गिनने के लिए नौकर रखना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा आप उस पैसे को संभाल ही नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा आपके पास पैसा आएगा। इस पौधे में शनि महाराज का भी वास होता है। अगर आप शनिवार के दिन इस पौधे के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो यह बेहद ही शुभ होता है। इससे आपको शनि की साढ़े साथी से मुक्ति मिल जाती है। यदि यह आप भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो आप भोलेनाथ की कृपा के प्राप्त बनते हैं। अर्थात इस पौधे का फूल जो आता है, इस बेल का फूल जो आता है शंखपुष्पी का, यदि आप भगवान भोलेनाथ पर इसको चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर हमेशा हमेशा के लिए बनती है। यदि इसकी जड़ सूख जाए तो आप इसकी जड़ को हल्दी की दो गांठों के साथ लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें तो आपकी तिजोरी में कभी भी पैसे खत्म नहीं होंगे। और यदि दोस्तों आपके पास तिजोरी नहीं है तो आप इसकी जड़ को, यदि इसकी जड़ सूख जाए तो इसकी जड़ को निकाल करके हल्दी की दो गांठों के साथ लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर भी रख सकते हैं, ताकि आपके घर में जहां धन रखने का स्थान है वहां कभी धन खत्म ही नहीं हो, हमेशा वहां धन आता रहे और आपका धन बढ़ता रहे। आपको आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के लिए नए नए स्रोत मिलाता है ये पौधा। आपको स्वप्न में यदि गड़ा हुआ धन दिखाई दे तो आपको धन की प्राप्ति 100% होनी है, इससे कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। तो दोस्तों यह पौधा धन खींचने की चाबी कहलाता है, अर्थात पैसा खींचने की चाबी है यह पौधा, इस तरह से यह कहलाता है, क्योंकि यह पौधा हमेशा धन को ही आकर्षित करता है। इस पौधे का जो गुण है वह है जैसे गुलाब का गुण है गुलाब की सुंदर खुशबू देना, चमेली का गुण है चमेली की सुंदर खुशबू देना, उसी तरह से इस पौधे का गुण है पैसे को अपनी तरफ खींचना। अर्थात जहाँ भी ये पौधा लगा रहता है उस घर में हमेशा सकारात्मकता छा जाती है, और सकारात्मकता के कारण उस घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है वहाँ तो पैसा टिकता ही है, क्योंकि माता लक्ष्मी ही पैसे को देने वाली होती है। हमारे पास पैसा नहीं टिकता तब भी यह उपयोग में लाया जा सकता है पैसा बढ़ाने के लिए। अर्थात यदि आपके पास बहुत पैसा है लेकिन पैसा बढ़ नहीं रहा तो दोस्तों पैसा बढ़ाने के लिए भी इस पौधे को उपयोग में लाया जाता है। बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े करोड़पति इस पौधे का उपयोग जानते हैं, इसलिए वह आज इतने लखपति हैं और इतने करोड़पति हैं। यदि आप भी इसका फल जान जाएंगे और इसको लगा लेंगे अपने घर पे तो आप देखेंगे आपकी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होना शुरू हो जाएगी। आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा इतना पैसा आपके पास आएगा। सोमवार को अपराजिता का फूल भगवान भोलेनाथ को यदि आप अर्पित करते हैं तो आप जीवन में शिव कृपा के पात्र बनते हैं, और यदि सोमवार को अपराजिता का फूल आपने भगवान शिव को अर्पित कर दिया उसके बाद आपने वहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा, आप वहाँ से इस फूल को उठा करके आप ले आए और उसे अपनी तिजोरी में या धन रखने के स्थान पर रख देते हैं तो आपको इससे बहुत बड़ा धन का लाभ होगा। दोस्तों यह पौधा पौराणिक शास्त्रों के अनुसार धन खींचने की चाबी कहलाता है। पुराने राजा महाराजा ऋषि मुनि इस पौधे की महत्ता को जानते थे, इसलिए उन्होंने इसका महत्व पुराणों में निहित कर दिया है। इसके अलावा इसके चिकित्सकीय बहुत सारे लाभ होते हैं। इसका दूसरा नाम शंख पुष्पी होता है। यदि इसके फूलों को रस निकाल करके पिया जाए तो शरीर और मस्तिष्क में ठंडाई और शांति मिलती है। यदि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और आप गर्मी से बहुत ज़्यादा बेहाल रहते हैं, आपको निरंतर पसीने आते रहते हैं, तो आप इस पौधे के फूलों को तोड़ करके उनको पीस करके और छान करके यदि उनका रस पी जाएं या फिर उनके फूलों को सीधे ही खा जाएं तो फिर, और ऐसा आपको डेली करना है तो आपके जीवन में कभी भी आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा, यानी आपको गर्मी में भी गर्मी नहीं लगेगी, लू नहीं लगेगी, ऐसी तासीर है इस पौधे की। क्योंकि दोस्तों यह महालक्ष्मी का पौधा है,
और महालक्ष्मी का जो पौधा है वो गुणों की खान होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जिनके कारण आप माता लक्ष्मी की कृपा के तो पात्र बनते ही हैं, साथ में आप में एक ठंडाई भरा वातावरण भी हो जाता है। अर्थात यदि आपको गर्मी बहुत लगती है, आपका दिमाग चिड़चिड़ा रहता है, आपके दिमाग में विकार आ गए हैं, तो यह विकार भी यह पौधा खत्म कर देता है। दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, ऐसा लिखने से आप पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी, और माता लक्ष्मी जी की यदि कृपा आप पर बन गई तो आपको दुनिया में कोई ताकत नहीं हरा सकती, क्योंकि आप पैसों के मालिक बन जाएंगे। दोस्तों, दुनिया पैसों से ही चल रही है। यदि आपने पैसे कमाने में ध्यान नहीं दिया और माता लक्ष्मी को रुष्ट कर दिया तो आपके जीवन में गरीबी कभी भी नहीं जा सकती। इसलिए यह वीडियो यदि समझ नहीं आया तो दोबारा से देख लीजिएगा। और इस तरह का पौधा आपको नर्सरी या इसके बीज भी आते हैं दोस्तों। यदि आप बीज की दुकान पर जाकर के अपराजिता के बीज मांगते हैं तो वो आपको बीज दे देते हैं। इन बीज को उगाने से भी यह पौधा शीघ्र ही उग जाता है। यह बहुत जल्दी बढ़ने वाला पौधा है, लेकिन इसमें खास बात का ध्यान रखा जाता है कि आपको इसमें पानी ज़रूर देना है और खाद बीज ज़रूर डालने हैं। रासायनिक खाद का इसमें प्रयोग नहीं करना, यह सूख जाता है। आपको केवल गोबर की खाद और मिट्टी का ही प्रयोग इसमें करना है। इससे यह पौधा बहुत ज़्यादा आपको फल प्रदान करता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।